आज आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम में स्टोरी कैसे लगा। यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम चलाने नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको यहाँ पे चलाने के लिए सिखाने भी वाला हूँ, और यहाँ पे स्टोरी भी आप अपने इंस्टाग्राम में कैसे लगाएंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, जो कि यहाँ पे जो जानता है बहुत ही उसके लिए ईजी है, जो नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा हार्ड यहाँ पर लगता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोटो को मतलब स्टोरी में कैसे लगाएंगे, उस पर गाना कैसे लगाएंगे, फ़िल्टर तो जो भी आप चाहें वैसा लगा सकते हैं, जिस तरह लोग लगाता है देख सकते हैं। यहाँ पर हम भी यहाँ पे देखे लगाए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कोई मेंशन किया देखे लगाए हैं, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग लगाता है इंस्टाग्राम पे स्टोरी, तो आपको बताने वाला हूँ कि आप भी यहाँ पे कैसे लगाएंगे। तो चलिए आपको बताने वाला, तो सबसे पहले यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं इंस्टाग्राम में आता हूँ। तो आप अगर इंस्टाग्राम डाउनलोड किए होंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर ओपन करना, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर लाइक आया है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस के आइकन नीचे भी, यहाँ नीचे भी देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पे स्टोरी के बगल में यहाँ पे थोड़ा सा कोने में है। तो आप प्लस के आइकन अगर वहाँ भी क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ भी क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए गैलरी ओपन हो जाएगा आपका। अब बाकी बात नीचे में भी देखिए प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा गैलरी ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे हमारा देखिए पोस्ट, फिर स्टोरी, फिर रील। तो यहाँ पर मुझे स्टोरी लगाना है, तो ये स्टोरी वाले पर मुझे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर स्टोरी वाले पर मुझे क्लिक कर देना, स्टोरी वाले पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे मेरा फेस दिख जाता है कि हम फोटो यहाँ पे क्लिक करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमें गैलरी से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन हो रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, बस यहाँ पे मेरा गैलरी वाला वीडियो आ जाता है। तो हम मान लिया जो मुझे फ़ोटो वगैरह कुछ भी लगाना है स्टोरी, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फ़ोटो एक। चलिए यहाँ पर आप फोटो वीडियो कुछ भी स्टोरी में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना है आपको वो फ़ोटो या तो वीडियो ले लेना है। तो चलिए यहाँ पर मुझे लगाना है वीडियो स्टोरी में लगाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कोई सा भी एक वीडियो ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मुझे वो वीडियो लेना है, वीडियो लेने के बाद अब मुझे क्या करना है इसमें मान लिया जाए मुझे गाना लगाना है, फिल्टर लगाना है, अब जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो देखिए अगर मुझे इसमें गाना लगाना है तो यहाँ पे देखिए ये म्यूजिक के या जैसा जो बना इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर गाना लगा सकते हैं। बाकी आपको फ़िल्टर लगाना है तो इसी के बगल में देखिए ये वाला है, तो फ़िल्टर का ये हो गया। बाकी इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल जो ए दिख रहा है इस पर क्लिक के लगा सकते हैं। बाकी इसका साउंड अगर म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है स्पीकर का उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करना है इसका माइक जो है इसका जो साउंड है म्यूट हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे गाना लगाना है, तो ये म्यूजिक वाले पे क्लिक करता हूँ, म्यूजिक वाले पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई सा भी गाना लगा देता हूँ। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए गाना आ गया। गाना आने के बाद अब यहाँ पे इसे बजा के देख सकते हैं, ये साइड से यहाँ पे इधर ही बजा के देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाना बजेगा, यहाँ पे देखिए दूसरा बजाना है, इस पर क्लिक करना है, तीसरा इस पर, तो मुझे यही लगाना है, इस पर लगाना है, फिर यहाँ पे म्यूजिक वाले पे इस पर बीच में क्लिक कर देना है। तो बीच में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, बीच में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि गाना कहाँ पे बढ़िया लग रहा है। अगर यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा तो ये जो दूसरा लाल बिंदु है इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे तीसरा लाल बिंदु है इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं इसको यहाँ पे नीचे में करके इसको हटा भी, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में करना है, इसको आगे पीछे कर देना है। देखिए यहाँ पे तीसरा बिंदु पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे सटाते हैं। देखिए यहाँ पे हल्लो हो गया, मुझे गाना यही ठीक लग रहा है तो लग रहा है, तो आप यहाँ पे रहने देना। रहने देने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में कोने में डन का ऑप्शन आ रहा है, तो डन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। डन वाले पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मेरा ये देखिए गाना सेट हो गया, सेट हो गया। तो अब मुझे ये अगर लगाना है कहीं पर रखना है तो रख देना है, नहीं तो मुझे हटाना है तो ये हम नीचे कर देंगे तो यहाँ पर हट भी जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा वीडियो रुका है, तो यहाँ पे फिर से मुझे ये ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो में कोई दिक्कत हो गया होगा। तो यहाँ पे आ गया फिर से वीडियो, फिर से मैं वही गाना सर्च कर लेता हूँ, के ओ कोको लत। अब यहाँ पे मुझे फिर से डायरेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे तीसरा बिंदु पर क्लिक करता हूँ, इसको आगे पीछे करके यहाँ पर सटा लेता हूँ। अब यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ, अब मुझे ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरा ये गाना इसमें लग गया। गाना लगने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें फ़िल्टर लगाना है मान लिया जाए, तो फ़िल्टर लगाने के लिए इसी पे क्लिक कर सकते हैं, ये जो तीन वो स्टार जैसा है उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप फ़िल्टर लगा पाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जौन सा फ़िल्टर आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। अगर फ़िल्टर यहाँ पर नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे लास्ट में आना है, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन रहेगा, लेकिन सर्च का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो क्या करना है मैं बताऊंगा दूसरा तरीका से, तो मुझे ये वाला रहने देना है, तो मैं ये वाला लगा देता हूँ फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे इसमें अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ डबल ए जो है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके लिख देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं लिखना है तो यहाँ पर
मैं हटा देता हूँ। हटा देने के बाद इसे सिंपली से यहाँ पे मेरा स्टोरी लगने के लिए ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या बताएगा कि आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको इस पर नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, योर स्टोरी। योर स्टोरी पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका स्टोरी लग जाता है। नहीं तो अगर आप इधर के साइड क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो तीन प्रोसेस जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर योर स्टोरी। तो जैसे मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, बस यहाँ पे मेरा स्टोरी जो है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, दोनों में एक ही साथ यहाँ पे लग जाता है। तो वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक का दोनों आईडी कनेक्ट है। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरा भी आईडी कैसे कनेक्ट हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि हम भी कैसे कनेक्ट करें इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी, तो हम वीडियो बना देंगे उस पर और बाकी बात आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी बात यहाँ पे देखिए स्टोरी ये पोस्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टोरी अपलोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर क्लिक करके ऊपर करते हैं तो यहाँ पे देखिए बताता है कि आपका यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे अपलोड हो रहा है। बाकी बात जैसे ही अपलोड हो जाएगा बस यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी इसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये साइड में थ्री बिंदु का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद हो सकता है कि म्यूजिक नहीं भी आए, तो आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम स्टोरी कैसे सेव करें तो उस पर भी मैं वीडियो बनाया अब बना भी दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी बात ये स्टोरी जैसे ही लगेगा ये स्टोरी मेरा फेसबुक पे भी दिख जाएगा ऑटोमेटिक, हम वहाँ पे कहीं कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मेरा फेसबुक में भी दिख जाएगा और वहाँ भी दिख जाएगा। तो अगर कुछ भी अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अगर इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।